अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद बिलाल नसीम ढोला। आज हम एक फूड रिव्यू करेंगे कश्मीरी रेस्टोरेंट का, जो कि अंदरूनी पिंडी में वाक़ है। दिलबर होटल राजा बाज़ार की गली में वाक़ है और ये दावा करते हैं कि ये वाहिद कश्मीरी रेस्टोरेंट है जो पाकिस्तान में वाक़ है। आइए रेस्टोरेंट का विज़िट करते हैं और इनके ओनर से इस रेस्टोरेंट की हिस्ट्री वगैरह मालूम करते हैं और ये कब स्टार्ट हुआ और इसके क्या मशहूर खाने हैं, ये सब हमें इनके ओनर मलिक एजाज साहब बताएंगे। तो आइए टाइम जाए के बगैर हम इनसे रिव्यू ले। वालेकुम सलाम, अल्लाह का फजल। हम काफी अरसे से आपकी वीडियोस यूट्यूब पे फेसबुक पे देखते रहे हैं और आज मुझे मौका मिला कि आपके होटल पे हम विजिट करें और काफी अच्छा मुझे टेस्ट लगा और काफी एंजॉय किया। काफी डिफरेंट आइटम्स थे जो पिंडी में मिलते हैं या पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं। थोड़ा सा आप अपने होटल के बारे में बता दें और हिस्ट्री वगैरह और क्या आइटम्स आप लोग सर्व करते हैं और ये सब चीज़ें। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मलिक एजाज है। ठीक है। तो ये दिलबर होटल हम रन करते हैं। बेसिकली ये मेरे फादर हैं, इन्होंने 1948 में शुरू किया था। हम कश्मीर से माइग्रेट करके आए थे, 1947 में आए थे, 1948 में इन्होंने खोला था। ये टिपिकल यहाँ कश्मीरी डिशेज होती हैं, मकबूजा कश्मीर की, वेली की ना, वो श्रीनगर में जो सी होती हैं वही हम सर्व करते हैं इधर। तो ये आपको पाकिस्तान में यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। घरों में तो बनती है कश्मीरियों के, लेकिन कमर्शियल बेस पर आपको यहीं मिलेगी। हाँ जी। और ये क्या टाइमिंग है आपके होटल की? ये लंच टाइम और डिनर टाइम है, रात 12 बजे तक। रात सुबह 12 से रात 12? जी जी जी। ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं? ब्रेकफास्ट नहीं है फिलहाल, करेंगे इंशाल्लाह शुरू। अच्छा। तो बोल के ये आपको पूछ रहे थे ना हिस्ट्री इसकी, ये बेसिकली जब बड़े वहाँ कश्मीर से इधर आए थे, ये किस्म की बैठक थी। अच्छा। कश्मीरियों की ना, मतलब जितने कश्मीरी वहाँ से आए थे यहाँ बैठते थे, गप शप लगाई, किसी को पैगाम दिया इधर उधर, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। आज़ाद कश्मीर की सियासत यहाँ से शुरू हुई है। सही है। जितने सदूर वजीर आजम अभी तक जितने भी हैं आते जाते हैं, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के बल्कि पाकिस्तान के भी, तकरीबन लियाकत अली खान साहब से लेकर अब तक जितने भी हैं उनका खाना यहाँ से जाता है या वो मंगवा लेते हैं। अच्छा। जी। तो ये आपका स्पेशल आइटम क्या है? हमारी स्पेशल जो चीज़ है गुश्ताबा। ठीक है। रिश्ते हैं, आप गोश्त है, तबक माज है, मेथी माज है। अच्छा। कड़म फिश है और बीसी है। तो आपको अगर मैं कहूँ एक आइटम आप बताएं कि किसी को रिकमेंड करना? एक आइटम पर यहाँ के लोग दरअसल फोकस करते हैं, वो है भी बल्कि इस काबल के गुश्ताबे पर। इसकी प्रिपरेशन में क्या टाइम? ये दरअसल हम 2-3 दिन लगते हैं बनाने में। ठीक है। हफ्ते में एक दिन रखते हैं हफ्ते। नहायत ही वसी मेन्यू में से हमने आप गोश्त और इनका हरीसा ट्राई किया, जो कि नहायत ही लजीज और मज़ेदार था, और ऐसा खाना मैंने आज तक अभी रावलपिंडी में नहीं खाया। रजा साहब ने अपना किचन भी विज़िट कराया। हम इनका किचन विज़िट करेंगे। ये इनका ये हरीसा। ठीक है जी। हरीसा में ये वेजिटेबल होती है, नहीं ये है कोरमा, मटन कोरमा। ये दाल है, ये भी हमारी स्पेशल दाल होती है, सिर्फ पानी में बदली होती है। ठीक है। ये वेजिटेबल। ठीक है। और ये कोफ्ते आज बटन कोफ्ते। ठीक है। ठीक है। ये भी दाल माश है, दाल माश। ये आप गोश्त होता है दूध में बनाओ मटन। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। चिकन है, चिकन कोरमा। ठीक है। पूरी पूरी रोटी, ये कि 4 पीस होते हैं के ना, ये पालक चिकन पालक गोश्त है। ठीक है। ठीक है। काफी साफ सुथरे। ये थी, ये सादा गोश्त है। ठीक है। ठीक है। तो वाइट राइस होते हैं इसके साथ।
मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।